नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है। इस वीडियो में मैं आपको कमोड का पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। और जो कमोड का पॉइंट दोस्तों मुझे आज बनाना है, यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंडियन सादा सीट लगा हुआ है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो है बाथरूम है। बाथरूम मैं दिखाता हूँ अंदर से आपको। ये देखिए ये बाथरूम दिखाई दे रहा है, और क्लाइंट का डिमांड है कि इस वाले एरिया में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे कमोड का पॉइंट बनाना है। इटालियन कलेक्शन का कंबाइंड कमोड है, तो कमोड का पॉइंट मुझे यहाँ पे बनाना है। और अभी दोस्तों जो इंडियन सादा सीट है यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये देखिए ये जो इंडियन सादा सीट है, क्लाइंट का डिमांड है कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये चालू चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं कमोड का पॉइंट बनाने के लिए दोस्तों इस बाथरूम में देखिए मुझे क्या करना होगा। जो टॉयलेट से पाइप गया हुआ है, जो इंडियन सादा वाला सीट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला इसका जो पाइप नीचे से गया हुआ है, वहाँ से मुझे कट करके, चालू सप्लाई है वहाँ से कट करके बीच में टी लगा के या फिर वाई टी लगा के मैं पाइप लूँगा। और ये जो बाथरूम वाला फर्श दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से नीचे से मैं होल करूँगा और पॉइंट बनाऊँगा यहाँ पे। तो जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको टॉयलेट वाले चालू सप्लाई लाइन में वहाँ पर टी को कनेक्ट करना, उसके बाद कमोड के पॉइंट को बनाना सिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे मैं आ गया हूँ, और नीचे भी वही डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट वाला एरिया है, और टॉयलेट वाला जो पाइप है देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए ये टॉयलेट वाला पाइप है, और पाइप को दोस्तों अभी मैं ऊपर कट करूँगा, वहाँ पे पाइप को कट करके वहाँ टी लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए जो दीवार दिखाई दे रहा है, दीवार में होल करके ये वाला पाइप अंदर लूँगा, बाथरूम में जाएगा, उसके बाद बाथरूम से होल होके वो ऊपर चला जाएगा, सीलिंग में होल करना पड़ेगा। अब देखिए ये बाथरूम दिखाई दे रहा है, जिस तरह से डिज़ाइन ऊपर है वही डिज़ाइन नीचे भी है सेम। इसी के ऊपर जस्ट ऊपर भी टॉयलेट और बाथरूम है। तो देखिए पाइप वहाँ पे निकलेगा उस कोने पे, वहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, एक 45 देखिए यहाँ से होल करूँगा और कमोड का पॉइंट में बनाऊँगा। तो अब दोस्तों चलिए सबसे पहले पाइप को कट करना होगा, उसके बाद वहाँ पर बीच में टी को कनेक्ट करना मैं सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों वहाँ पर पाइप को काटा जा रहा है, वहाँ पर टी लगेगा, सीलिंग से टच करके पाइप जाएगा आगे, उसके बाद वहाँ पर जो टी लगेगा वो देखिए यहाँ पर टी है, और टी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये सॉकेट दिख रहा है, ठीक है। ये SWR सॉकेट है, और यहाँ पे ये SWR टी है। ये देखिए वाई ब्रांच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों यहाँ से। ये देखिए अभी यहाँ से कटिंग हो रहा है, यहाँ पे टी लगेगा, और जो कमोड का पॉइंट है वो इस बाथरूम में आएगा यहाँ पर। तो दूरी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से ऊपर होगा, इसलिए यहाँ पर टी लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए टी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो SWR सॉकेट दिख रहा है, सॉकेट का जो कॉलर है इसको मुझे कट करके निकालना होगा, ये वाला जो कॉलर दिख रहा है। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं ये कॉलर निकालना आपको सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉलर है, यहाँ पे एक्सो ब्लेड से इसको मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दिया हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो कॉलर है इसको ड्राइवर से इसको कट करके निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सॉकेट है, सॉकेट का कॉलर जो है पूरी तरह से यहाँ पे कट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्क्रैच है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये देखिए ये रेग मार्क पेपर है, किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं, कोशिश करिए जो बारीक दाना वाला होता है वो आप लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको स्क्रैच करेंगे, ये देखिए इस तरह से रफ करेंगे, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, यहाँ पे किसी भी तरह का ठोकर नहीं है, इस तरह से हाथ लगा के आप देख सकते हैं, ठोकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको दोस्तों पाइप में स्लाइड करना है, ऊपर नीचे ये स्लाइड होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये टी को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं पाइप को कट किया था, उसके बाद अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे टी को लगाया मैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सॉकेट है, पाइप को थोड़ा सा बैंड किया गया है। अब ये जो सॉकेट है, सॉकेट नीचे स्लाइड होगा, ये वाला जो पाइप है ये टी के लेवल तक मैं कट किया हूँ, ताकि जो है ये सॉकेट को जब हम स्लाइड करेंगे तो ये प्रॉपर ज्वाइंट कर लेगा। और ये सॉकेट है इसका कॉलर निकाला गया है, और यहाँ पे पाइप को साफ़ कर लेना है, किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सिल्की होना चाहिए ताकि जो है ये सॉकेट स्लाइड हो सके। मैं दिखाता हूँ,
ये देखिए सॉकेट इस तरह से स्लाइड हो रहा है, अभी हम इस तरह से ऊपर कर देंगे, यहाँ पे तक आएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये देखिए। और इसका वाशर निकालना नहीं है, दोनों वाशर यहाँ पे लगा हुआ है, मैं वाशर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों वाशर यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये जो दिख रहा है पीला वाला और ब्लैक वाला, तो ये वाशर है, यहाँ भी वाशर है, वाशर को नहीं निकालेंगे। और ये जो है दोस्तों SWR फिटिंग है, यहाँ पे कभी भी लीकेज नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए सीलिंग से इतना गैप आ रहा है, तो थोड़ा सा स्लोप भी देना है मुझे, ये आगे इस तरह से आएगा इधर। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इस सॉकेट को इस तरह से नीचे स्लाइड किया हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पे आधा इंच का स्पेस दिख रहा है, तो आधा इंच का स्पेस आएगा। और यहाँ पे ये सॉकेट है, जब हम स्लाइड करेंगे तो ये कवर कर लेगा, लीकेज नहीं होने देगा, क्योंकि दोस्तों ज्वाइंट करने के लिए 2 इंच यहाँ पर मिलता है और 2 इंच यहाँ पर मिलता है, तो अभी आधा इंच पाइप छोटा है, तो यहाँ पे 2 इंच है तो कवर कर लेगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होगा। अब इसको ज्वाइंट करने के लिए देखिए इस तरह से मैं स्लाइड करूँगा इसको। अब जो है यहाँ पे ये टी प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। अब कमोड का पॉइंट बनाने के लिए यहाँ से मैं पाइप आगे लूँगा, इधर आएगा पाइप, यहाँ पे अभी मैं होल करूँगा, होल करके इधर लूँगा मैं पाइप को। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी कनेक्ट हो गया है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। कोई भी पाइप हो अगर बीच में कट करके टी को लगाना हो तो यही तरीका आपको यूज करना होगा, क्योंकि इस तरह टी को कनेक्ट करने के लिए 2 तरीका है, एक तो ये सॉकेट वाला, दूसरा है यूनियन। तो यूनियन भी दोस्तों कई बार लोकल एरिया में मिलता नहीं है, और यूनियन को भी कनेक्ट करने के लिए ये पाइप को थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ेगा, चाहे आप ये सॉकेट वाला लगाएं या फिर चाहे यूनियन लगाएं, पाइप को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इस तरह से टी कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे कमोड का पॉइंट मैं बना दिया हूँ। अब आप देखिए ये जो टी दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं पाइप को कनेक्ट करके भेज दिया बाथरूम में। चलिए बाथरूम में दिखाता हूँ मैं। अब देखिए वहां पे होल किया था मैं, होल करके यहाँ पे आगे आया, देखिए एक सॉकेट दिया, 45 दिया, उसके बाद यहाँ पे इतना टुकड़ा दिया और एक एल्बो लगा के ऊपर में भेज दिया। ऊपर वाला जो बाथरूम है वहां पे ये चला गया, कमोड का पॉइंट अभी वहां पे बन गया है। अभी ऊपर भी चलूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको पीछे वाले दीवार से इसको कितना रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना आपको यहाँ पे दोस्तों, देखिए सीलिंग में सॉल्वेंट वाला फिटिंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैं लीकेज ना हो इसलिए देखिए मैं SWR फिटिंग किया हूँ। इसमें वाशर होता है और इसमें लीकेज का कोई भी चांस नहीं होता है, लाइफ टाइम काफी ज्यादा होता है। और जब भी आप ये SWR पाइप फिटिंग करें तो इसका डायरेक्शन उल्टा नहीं रखना है। देखिए कमोड यहाँ पे इंस्टॉल होगा और जो भी कचड़ा होगा सब ऊपर से गिरेगा और यहाँ पे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो वहाँ पे देखिए एल्बो है, फिर सॉकेट लगाया, सॉकेट के बाद यहाँ पे एक 45 दिया, उसके बाद वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए देखिए एक सॉकेट दिया, सॉकेट देके आगे मैं कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों ऊपर जो पाइप यहाँ पे कनेक्ट होगा एल्बो में कमोड के पॉइंट के लिए, तो देखिए अभी यहाँ पे होल किया हूँ मैं, और अब यहाँ पे जो पाइप लगेगा दोस्तों वो मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। ऐसे ही आपको नहीं लगाना है कुछ भी पाइप सादा उठा के, ठीक है। पाइप को लगाने के लिए दिखाता हूँ मैं कौन सा पाइप लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइप दिख रहा है यही लगेगा जो एल्बो दिखाया हूँ मैं, कमोड का पॉइंट इसी में बनेगा। तो पाइप को दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं रफ कर लिया हूँ प्रॉपर अच्छी तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रफ इसलिए किया गया है ताकि जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से जो सीमेंट है वो पकड़ ले और हिले ना, क्योंकि जब हम कमोड रखेंगे तो दोस्तों अगर ये प्रॉपर पकड़ेगा नहीं तो नीचे चला आएगा, स्लिप करेगा, इसलिए इसको मैं इतना रफ कर दिया हूँ। और इतना ही नहीं, अभी दोस्तों इसको ऐसे नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे तार लपेटा जाएगा, जो बार बांधने वाला तार होता है वो यहाँ पे लपेटा जाएगा ताकि जो है सीमेंट का मसाला जो है अच्छी तरह से इसको पकड़ कर सके। और जो पाइप है दोस्तों उसको मैं हैंगिंग कर दिया हूँ प्रॉपर ऊपर, देखिए देखिए यहाँ पे ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा लोड आएगा कमोड जब रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं नज़दीक में ही डबल क्लिप दिया हूँ प्रॉपर, ताकि जो है मजबूत रहे और पाइप दोस्तों नीचे ना आने पाए। तो अब दोस्तों चलिए ऊपर मैं दिखाता हूँ और पाइप को भी यहाँ पे लगाना सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गया, जहाँ पे मुझे कमोड लगाना है ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया, बाथरूम वाला एरिया है ये। और ये देखिए ये मेरा पाइप है, तो पाइप जो है यहाँ पे जो मैं रब किया हूँ, अभी तार लपेटूंगा, तार लपेट के उसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से लग जाएगा। और अब मैं मेजरमेंट आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे वाला दीवार है यहाँ से आपको कितना रखना है आगे। यहाँ पे देखिए ये साइड वाला दीवार है, तो देखिए साइड वाले दीवार से आपको 20 इंच रखना है, अभी यहाँ पे 20.5 इंच आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीछे वाला दीवार दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे देखिए टाइल्स यहाँ पे लग चुका है, तो टाइल्स वाले फ्लोर से यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। तो अभी दोस्तों ये मैक्सिमम लिया हूँ मैं, 10 इंच मैक्सिमम है, 10 से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ पे पीछे स्पेस आएगा। इटालियन कलेक्शन का कमोड अगर आप लगाएंगे तो मिनिमम 9 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं वायर लपेट देता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मेरा ये कमोड का पॉइंट है, एल्बो नीचे दिख रहा है और ये देखिए पाइप है, यहाँ पे अच्छी तरह से पकड़ कर सके। देखिए इस तरह से मैं तार लगाया हूँ,
क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे बिना रब के ही अगर इस तरह से अगर आप लगा देते तो देखिए यहाँ पे मसाला पकड़ता नहीं। और जब आप यहाँ पे कमोड को रखते फिक्स करने के लिए तो दोस्तों ये पाइप जो है यहाँ पे नीचे स्लाइड भी हो सकता था। ये देखिए यहाँ पे प्लेन है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का मसाला पकड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे रब करने के बाद ये देखिए तार को अच्छी तरह से बांधा गया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको मैं पुश करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वायर का गुच्छा है, इसको यहाँ पे डाल के यहाँ पे नीचे थोड़ा सा टाइट हम लोग डाल देंगे ताकि जो है अच्छी तरह से मसाला पकड़ कर सके और ये जो पाइप जो है दोस्तों बिल्कुल भी ऊपर नीचे स्लाइड ना हो। तो अब इसको मैं फिक्स करता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये पाइप को मैं पुश कर दिया एल्बो में। उसके बाद ये देखिए वायर मैं यहाँ तक बांधा था क्योंकि यहाँ तक भराई होगा ये कंक्रीट से, अब जो ये पाइप है अच्छी तरह से पूरा पकड़ लेगा। और ये वायर है, वायर को मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग भराई कर देंगे। तो दोस्तों अब ये कमोड का पॉइंट पूरी तरह से बन चुका है। मेजरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए अब देखिए ये टाइल्स वाला सरफेस है पीछे वाला, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल 9 इंच रखा हूँ मैं इसका सेंटर। देखिए 9 इंच है तो आप कम से कम 9 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे। और साइड से देख लीजिए, साइड से यहाँ पे अभी 20.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से कमोड का पॉइंट दोस्तों बन चुका है। अब देखिए दोस्तों ये कमोड का पॉइंट है। उसके बाद नीचे से सपोर्ट लगाया गया है ताकि जो है मसाला नीचे ना जाए। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट का घोल बना के सबसे पहले यहाँ पे इस तरह चारों तरफ गिराना है। वाटर प्रूफिंग जो केमिकल होता है दोस्तों NW+, उसको मिक्स कर लेना है ताकि जो है लीकेज ना करे। अभी यहाँ पे घोल डाल दिया गया है। उसके बाद जो मसाला बना गया है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए इस तरह से मसाला भरा जा रहा है प्रॉपर, पूरा इसको टाइट भरेंगे ताकि जो कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए, नहीं तो लीकेज आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कमोड का पॉइंट जो है पूरी तरह से यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे देखिए सीमेंट से अच्छी तरह से पूरा मैं प्रॉपर भराई कर दिया हूँ। अब यहाँ पे किसी भी तरह का कमोड हो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी पाइपलाइन को बीच से कट करके उसमें टी को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कमोड का पॉइंट कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो पूरा हुआ। आपने देखा दोस्तों जो टॉयलेट वाला पाइपलाइन था उसको मैं बीच में कट करके उसके बाद टी को कनेक्ट करना सिखाया, उसके बाद कमोड का पॉइंट भी आपको दिखाया कैसे बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।